हनुमान जी के जीवन से हम एक ही उदाहरण ले सकते हैं, मेरे लिए क्या नहीं बल्कि मेरे थ्रू क्या, राम काज कीने बिना मोही कहाँ विश्राम, आज इस देश का सौभाग्य है। इस देश के पास भी एक ऐसा हनुमान है जो अपने देश के लिए, मेरे लिए क्या नहीं बल्कि मेरे राष्ट्र के लिए क्या, राष्ट्र राष्ट्र इदम राष्ट्राय स्वाहा इदं नमम के भाव से अपने जीवन को समर्पित करते हुए केवल एक ही लक्ष्य कि राष्ट्र आगे बढ़े। मुझे तो लगता है चुनावों का समय है, इस चुनाव के समय में सभी चुने, सही चुने और उसको चुने जो राष्ट्र को चुने, जो देश को चुने, छोटी छोटी बातों से चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो, जो राष्ट्र को चुने हम उसे चुने। और यही तो हनुमान जी ने किया, उन्होंने राम को चुना, राष्ट्र को चुना। राम की धारा राष्ट्र की धारा है, राम की धारा सबके विकास की धारा है, राम की धारा सबको साथ लेकर चलने की धारा है। भालू को भी लिया, बानर को भी लिया, रीछ को भी लिया, जंगली जानवरों तक को अपना मित्र बना लिया और उनके साथ उन्होंने आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त की। आज समय आया है ऐसी वृत्तियों पर विजय प्राप्त करने का समय आया है। और वो वृत्ति किसी के मन में हो सकती है, किसी के दिल में हो सकती है, ये दल की बात नहीं है, ये दिल की बात है, ये देश की बात है। इसलिए देश के लिए, राष्ट्र के लिए आज समर्पित होने के लिए और किससे बड़ा दिवस क्या होगा। श्री हनुमान जी का जीवन अपने लिए नहीं पूरी राष्ट्रीय विचारधारा के लिए था कि मेरा विश्राम यही है कि मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, मेरी संस्कृति आगे बढ़े।